हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी एडवांस मशीनें जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्री कटिंग मशीन, पेड़ों को काटने के लिए बनाई गई एडवांस मशीन। ये मशीन पेड़ों को इतना तेज़ी से काटती है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मशीन बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से पकड़ती है और उन्हें फास्ट कटिंग व्हील के जरिए चुटकियों में अलग कर देती है। ये मशीन इतनी एडवांस है कि पेड़ों के रूट्स को साथ ही साथ एक फिक्स लंबाई में काटकर अलग करती हुई चलती है, जिससे इनको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। ट्रक स्पेड, ये बड़े बड़े पेड़ों को रिप्लांट यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की मशीन है। इस मशीन में एक पावरफुल हाइड्रोलिक आर्म लगी है जो कि पेड़ के चारों तरफ जमीन के अंदर जाती है और पेड़ों को सेफ और आसान तरीके से उठा लेती है, और इस तरह उठाकर पेड़ को दूसरी जगह ले जाया जाता है। फिर पेड़ को रिप्लांट करने के लिए उसी आकार के गड्ढे में डाल दिया जाता है। कार स्क्रैपिंग मशीन, ये काफ़ी ख़तरनाक मशीन है। इस हाइड्रोलिक मशीन में गाड़ियों को 10 गुना तक कंप्रेस कर दिया जाता है। कबाड़ में पड़ी वेस्ट गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्हें एक चैम्बर में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन पर एक हाइड्रोलिक प्रेशर डाला जाता है। ये प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि गाड़ियों को अपने रियल साइज से 10 गुना तक कंप्रेस कर देता है। टाइगर स्टोन, दोस्तों अभी तक आपने सिर्फ सड़कों को बनते हुए देखा होगा। ये एडवांस मशीन सड़कों को प्रिंट करने का काम करती है। इस मशीन में लगे कंटेनर में ईंटों को भर दिया जाता है, जिन्हें ये मशीन एक लेवल में जमा देती है और आगे की तरफ चलाने पर ये जमा ईंटों को सड़क पर बिछाती हुई चलती है। ये मशीन एक दिन में 300 स्क्वायर मीटर एरिया को प्रिंट कर सकती है। वुड चिपर, ये लकड़ियों को क्रश करने की पावरफुल मशीन है। इसे बड़ी बड़ी लकड़ियों को एक क्रेन होल्डर के द्वारा मशीन में डाला जाता है। ये मशीन काफ़ी फास्ट है और इसे एक ट्रक के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। ये मशीन बड़ी मात्रा में लकड़ियों को क्रश करके उनका पाउडर बना देती है। इस पाउडर का इस्तेमाल पेपर बनाने में किया जाता है। इवेंट क्लीनिंग मशीन, बड़े बड़े इवेंट्स के बाद गार्डन्स में काफ़ी कचरा रह जाता है। इस कचरे को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है ये एडवांस थ्री व्हीलर वैक्यूम क्लीनर। इसके फ्रंट पर दो बड़े वैक्यूम ट्यूब लगाए गए हैं। ये काफ़ी पावर और स्पीड के साथ कचरे को कलेक्ट करती हैं और इसमें लगे कंटेनर में इकट्ठा कर देती है। कंटेनर भरने के बाद इसे अनलोड करना भी काफ़ी आसान है। ट्रेन स्नो प्लोविंग, ये है बर्फ हटाने वाली ट्रेन। यूरोप के देशों में बर्फबारी के दौरान रेलवे ट्रैक्स पर काफ़ी बर्फ जमा हो जाती है। इस बर्फ को ट्रैक से हटाने के लिए वहां के रेलवे द्वारा स्पेशल प्रेस चलाई जाती है, जो काफ़ी तेज़ी के साथ बर्फ को काटकर तेज़ी से साफ करती है, और ये देखने में भी काफ़ी रोमांच भरा होता है। दोस्तों, आप इन मशीनों के बारे में क्या सोचते हैं और इनमें से कौन सी मशीन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएँ। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।